कहती हैं सिस्टर हाइड्रोजन रिकमेंडेड है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए रिकमेंड है। काइंडली सिस्टर आप बताएं कि ड्रेन पाइप किस टाइम जमीन पर रखना है। देखिए ड्रेन पाइप का आपका क्या लेना देना, आपने ड्रेन पाइप एक दफा ऑटोमेटिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशियामदी। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं दूंगी आपके कुछ कमेंट्स के आंसर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो कमेंट्स जो मुझे लगता है कि सबके सामने होना चाहिए ताकि सबकी नॉलेज में हो, ऐसा ना हो कि किसी एक ने सवाल पूछा है तो जस्ट उसको ही पता हो। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपको वेट कर पाई हूँ और अगर आपको बहुत जो है हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चले आए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज मेरे पास हैं कुछ कमेंट्स, तो जो है मैं आपके सामने वन बाय वन पढ़ूंगी और उसका आंसर आपके सामने दूंगी। एक और जो है हमारे पास जो है कमेंट आया है वो MAA माँ जो है उनकी तरफ से, कहती हैं सिस्टर हाइड्रोजन रिकमेंडेड है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए रिकमेंड है। क्या कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड जो मैंने आपको यूज़ करके बताया, क्योंकि आप उसको स्किन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं ना। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से ज़्यादा सेंसिटिव आपकी स्किन है जो फ़ौरन रिएक्शन करती है किसी भी चीज़ को, तो आप जब स्किन के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं तो आप कपड़ों के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मशीन को कोई नुकसान हो जाएगा? जो नुकसान होगा वो ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करने से होगा। मैं आपको ये बता दूँ कोई भी चीज़ जो है वो फ़ायदा नुकसान तब देती है जब आप उसको क्वान्टिटी से ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आप देखते हैं कि जब आप वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर मिक्स होकर वो डाइल्यूट हो जाता है, तो डायरेक्ट तो वो यूज़ हो नहीं रहा, यानी कि आप उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर की जगह हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप वाटर की जगह हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करेंगे, यानी कि 6 लीटर 12 लीटर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करके वॉशिंग मशीन को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो नुकसान पहुँचाएगा। कुछ मिलीलीटर ही होता है बॉटल के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड और आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, और आई डोंट थिंक सो कि जो कुछ मिलीलीटर आप यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड वो क्वांटिटी जो है आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो डाइल्यूट भी हो जाता है पानी के साथ, तो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही वो आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो आप अपनी स्किन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। ब्लीच को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़ों को ख़राब करती है, उसके कलर उड़ा देती है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक और हमारी व्यूअर हैं नूर नूर, वो कहती हैं काइंडली सिस्टर आप बताएं कि ड्रेन पाइप किस टाइम ज़मीन पर रखना है। देखिए ड्रेन पाइप का आपका क्या लेना देना, आपने ड्रेन पाइप एक दफ़ा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सेट कर दी है तो आप उसे नीचे की तरफ रख दें। मैंने जब अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सेट की तो मेरा ड्रेन पाइप नीचे ही है, ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब ये वॉश कर रही होगी तो पानी नीचे से लीक नहीं होगा, जब ये रिंस कर रही होगी तो पानी लीक नहीं होगा, जब स्पिन करेगी तब पानी लीक होगा। तो अब आप देखें ना कि अब आपने जो है आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सारा फंक्शन खुद कर रही है, जब उसने पानी ले लिया वॉश कर दिया तब उसे ड्रेन भी करना है। आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो आपसे नहीं बोलेगी कि जी अब मैंने कपड़े वॉश कर लिए, आप पाइप मेरा ड्रेन पाइप नीचे रख दें ताकि मैं ड्रेन कर दूं। आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसे सारा सेंसर है, उसे सारा सब कुछ पता है कि उसने कब ड्रेन करना है कब पानी को ड्रेन नहीं करना। तो आप अपना ड्रेन का पाइप नीचे ही रखें, बेफिक्र होके आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि जी वो कब पानी को ड्रेन करेगी या लीक हो जाएगा पानी जो उसमें सर्फ वाला है। जब उस वॉशिंग मशीन सर्फ वाला पानी यूज़ कर लेगी जितना भी आपने टाइमर उसके अंदर सेलेक्ट किया है करने के बाद, तो फिर वो इजीली जो है वो ड्रेन कर लेगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ड्रेन पाइप के साथ आपने क्या करना है, ना उसको नीचे रखने। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये झंझट ही नहीं है कि आपने ड्रेन पाइप ऊपर रखना है या आप ड्रेन पाइप आपने नीचे रखना है। एक दफ़ा आप सेट कर लें और अपना ड्रेन पाइप आप नीचे की तरफ ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो व्यूअर्स ये थे आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने इसमें बहुत कोशिश की है कि आपको डिटेल में जाके समझाऊं ताकि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिल जाए और बहुत सारे जो दूसरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से कमेंट समझ में आ जाए और कि आपके कमेंट्स के थ्रू उनको भी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।